हेलो एवरीवन, 100 डेज चैलेंज की 65 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अभी हम शर्ट बनाना सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने मेजरमेंट सीखा, उसके बाद हमने स्टिचिंग सीख रहे हैं, और इस वीडियो में मैं आपको शर्ट कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी, कैसे शर्ट कॉलर को कटिंग करते हैं और कैसे स्टिच करते हैं, और उसके बाद किस तरह से आप शर्ट कॉलर में कॉलर को अटैच करेंगे। देखिए, शर्ट कॉलर में मेन आपका कॉलर होता है, किस तरह से कॉलर को कटिंग करना है, किस तरह से स्टिच करना है, तो वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शर्ट को नीचे से फोल्ड करेंगे। नीचे से जब भी आपको शर्ट फोल्ड करना हो तो आप पहले वन टाइम फोल्ड करेंगे, उसके बाद आप उसको फिनिशिंग के साथ बाद में फोल्ड करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको सिंगल फोल्ड करना है पहले, स्टिचिंग प्रॉपर तरीके से लगाना है। शर्ट में जो आपका साइड में मार्जिन है, इसको बैक साइड करना है और बहुत कम फोल्ड करना है आपको यहाँ से। इस साइड भी आपको ऐसे ही करना है, जो आपका साइड में मार्जिन है उसको बैक साइड करना है, और यहाँ से आपको बहुत कम फोल्ड करना है। बहुत बारीक आपको फोल्ड करना है, एंड पॉइंट पर थोड़ा ध्यान देना है। अब वापस से एक बार और फोल्ड करना है, इस बार आपको फिनिशिंग के साथ फोल्ड करना है। देखिए, ऐसे फोल्ड करते जाना है और किनारे पर टॉप सिम लगाते जाना है, मतलब किनारे पर आपको सिलाई लगाना है। इससे आपका शर्ट बहुत अच्छे से फोल्ड होगा, फोल्ड करते वक्त आपका कोई भी झोल रिंकल्स नहीं आएगा। साइड वाला पॉइंट आपको परफेक्टली फोल्ड करना है।
ये वाला पॉइंट आपका बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो इसलिए आपको इसको अंदर ही फोल्ड कर देना है। नीचे से तो अब हमने शर्ट को फोल्ड कर लिया है और अब लास्ट में हमारा कॉलर रहता है, तो अभी हम कॉलर की कटिंग करेंगे। प्रॉपर तरीके से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको कॉलर को लगाना होता है, कैसे कॉलर को कटिंग करना होता है। चलिए पहले हम कॉलर को कटिंग करना सीखते हैं। कॉलर अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें कॉलर का साइज लेना है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे साइज लेना। यहाँ पे आपको ये वाले कपड़े को खींचना नहीं है, नॉर्मल तरह से आपको मेजरमेंट टेप को इस तरह से होल्ड करना है और देखिए प्रॉपर तरीके से ऐसे नापते रहेंगे। हमारा यहाँ पर आ रहा है करीब करीब 19 इंच से 2 पॉइंट कम आ रहा है, यानी कि 18.75 आ रहा है, तो उसी साइज का हमें यहाँ पे कॉलर कटिंग करना है। मैंने लिया है सॉफ्ट वाला पेस्टिंग। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाना है, उसके बाद नीचे वाला कॉलर हम डबल बनाएंगे, डबल कॉलर कटिंग करेंगे। सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है, उसके बाद कॉलर का जो भी साइज आपको लेना है, तो जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर 1 इंच कॉलर कटिंग करने वाली हूँ, तो यहाँ पर मुझे 1 इंच पे मार्क करना है। सेम आपको इस साइड में 1 इंच लेना है, दोनों पॉइंट को वापस स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। देखिए जो भी आपका कॉलर साइज है उसका आपको हाफ लेना है, तो हमारा यहाँ पर आ रहा है 19 में 2 पॉइंट कम, तो आप लेंगे यहाँ पे 9.5 में 1 लाइन कम, इससे आपका बिल्कुल परफेक्ट वही साइज आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर मार्क करना है, यहाँ पर इसलिए क्योंकि जब आप शेप डालेंगे तो ये शेप कम से कम आपका 1 इंच होना चाहिए, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर 4 इंच पे मार्क करना है। देखिए ये 4 इंच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉलर का साइज थोड़ा बड़ा है। देखो वैसे तो हमारा कॉलर का साइज छोटा होता है, लेकिन ये वाला जो हमने पट्टी एक्स्ट्रा लगाई है ये भी हमारी आगे कॉलर से थोड़ा आगे आएगी, इससे की वजह से भी हमारा कॉलर थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो शर्ट का कॉलर का मेजरमेंट हमने जो भी लिया है उससे हमारा ये कॉलर एक्स्ट्रा ही आएगा, क्योंकि ये पट्टी हमारी ओवरलैप होती है। वैसे हमने जो कॉलर का मेजरमेंट लिया था वो 15.5 के अकॉर्डिंग लिया था, और हमारा जो यहाँ पर कॉलर का साइज आ रहा है वो 16 इंच के अकॉर्डिंग आ रहा है, यानी कि हमारा ये वाला पट्टी भी तो थोड़ा एक्स्ट्रा है। देखिए यहाँ पर हमारा 1.25 के अकॉर्डिंग पट्टी आगे की तरफ बढ़ के आ रहा है, तो यानी कि 2.5 इंच के अकॉर्डिंग तो हमारा ये पट्टी ही आ गया है, तो इसलिए आपका जो कॉलर है वो इसलिए साइज से बड़ा हो रहा है। और नॉर्मली आपका ये कॉलर साइज से बड़ा होगा ही, हर बार होगा ऐसे ही, क्योंकि शर्ट में आगे वाली पट्टी थोड़ी बढ़ा के लगाते हैं। यहाँ से और यहाँ तक आप अपना फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। वापस से आपको ट्रायंगल वाला शेपर यूज करना है और इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद ये आपको लेना है 1 इंच में 1 लाइन कम, यहाँ पर आप पॉइंट बना लेंगे। वापस से आपको फ्रेंच कर्व स्केल यहाँ से इस पॉइंट तक मिलाना है और शर्ट का जो आगे वाला पॉइंट होता है उसको आप शेपर की हेल्प से इस तरह से मिलाएंगे, तो ये शेप आपकी बहुत अच्छे से बन जाती है। अब आपको इसको कटिंग कर लेना है। देखिए जब हम इसको कटिंग करेंगे तो यहाँ पर हम एक स्टिचिंग लगा देंगे सिलाई, वरना हमारा कॉलर क्या होगा फिसल जाता है कटिंग करते हुए,
और आगे और पीछे वाला कटिंग गलत हो जाता है, मतलब छोटा बड़ा कटिंग हो जाता है। तो इसलिए आपको सेंटर में सिलाई लगाकर उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलर कटिंग करना है। अब यहाँ से आपको 1 इंच अंदर मार्क करना है स्ट्रेट लाइन। अब हम दूसरा कॉलर कटिंग करने जा रहे हैं। एक कॉलर हमारा नीचे लगता है, एक कॉलर हमारा थोड़ा ऊपर लगता है। जो ऊपर वाला कॉलर होता है उसका विड्थ थोड़ा बड़ा होता है। पहले हम इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे ऐसे, और ऊपर वाले कॉलर का विड्थ हम रख रहे हैं करीब करीब 2 इंच। तो 2 इंच यहाँ पर लेंगे, 2 इंच यहाँ पर लेंगे और इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद आपको लैग कर्व स्केल लेना है, और लैग कर्व स्केल को इस तरह से रखना है। इससे आपका ये शेप बहुत अच्छे से बन जाता है। अगर आपको ये वाला चीज यहाँ से थोड़ा अप लग रहा है तो आप इसको डाउन में भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको शेपर का ये वाला पार्ट यूज़ करना है, ये वाला पार्ट यूज़ नहीं करना। कई बार होता है शर्ट का ये वाला पॉइंट ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए होता, तो हम इसको इस तरह से कटिंग करेंगे। इससे हमारा ये वाला पॉइंट कम नज़र आता है। अब आपको शेपर को वापस ऐसे रखना है। और इस तरह से शेप बना देना है। अब देखिए शेपर का जो आपका ये फ्रेंच कर्व स्केल है, इस स्केल को आप ऐसे रखेंगे और जो आपने यहाँ पे 1 इंच पे मार्क किया है इसको ऐसे मिला देंगे। तो अब आपका ये शर्ट वाला कॉलर रेडी हो गया है। अब देखिए दोनों कॉलर पे मैं पहले स्टिचिंग लगाऊंगी, उसके बाद कटिंग करूंगी। इस तरह से हमने क्रॉस करके यहाँ पे स्टिचिंग लगा दी है। और कॉलर को कटिंग कर देंगे। देखिए यहाँ पे दोनों कॉलर को अलग अलग रेडी करने वाले हैं। ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को अच्छे से कटिंग करेंगे राउंड वाली शेप में। इसके बाद हम इस कॉलर को भी ऐसे ही कटिंग करेंगे। अब इन दोनों कॉलर को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। जो भी धागा हमने स्टिच किया हुआ है धागे को निकाल देंगे। कॉलर को अच्छे से पेस्ट कर देंगे।
कॉलर पेस्ट करने के बाद चारों साइड से हाफ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देना है। सेम साइज का एक और पीस कट करना है। पहले हमें ऊपर वाला कॉलर ही रेडी करना है। सबसे पहले हम कॉलर को रेडी कर लेते हैं। पेस्टिंग के किनारे पर आपको स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करना है, पेस्टिंग के ऊपर स्टिचिंग नहीं लगाना। और जैसे ही आप यहाँ पे स्टिचिंग लगाते हुए कॉर्नर पर आते हैं तो एक कदम पहले ही आपको रुक जाना है और आपको कॉर्नर पे एक धागे को सेट करना है। धागा इसलिए ताकि आपका जो कॉलर है इसमें पॉइंट अच्छे से बन जाए। ये मैंने धागा ले लिया है, इसको बीच में सेट करेंगे यहाँ पे इस तरह से। और सिर्फ एक कदम आगे चलना है और वापस से धागे को अंदर वाली साइड ऐसे फोल्ड कर देंगे और ऐसे दोनों धागे को मिला के ऐसे लपेट लेंगे। उसके बाद नॉर्मल जैसे स्टिचिंग लगाते हुए आ रहे हैं वैसे ही लगाएंगे। अब देखिए ये वाला पॉइंट भी आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है। पहले आपको धीरे धीरे मशीन को इस तरह से चलाना है, फिर दोबारा से आपको धागे को बिल्कुल इसी तरह से सेट कर देना है। पहले एक पॉइंट पे लगाएंगे, धागे को ऐसे सेट करेंगे, उसके बाद मशीन को एक कदम आगे चलाना है, वापस से धागे को इस तरह से फोल्ड करके दोनों धागे को एक साथ लपेट लेंगे ऐसे। और सिलाई लगाते जाएंगे जैसे आप नॉर्मली अभी लगा रहे हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे, यहाँ पे भी अगर आपको एक्स्ट्रा लग रहा है ना उसको कटिंग कर देंगे। बाकी जो यहाँ पे मार्जिन है उस मार्जिन को हम हल्के हल्के ऐसे कट लगाएंगे।
इससे कॉलर बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और अंदर वाली साइड कॉलर में झोल भी नहीं आता। एक्स्ट्रा यहाँ से भी फैब्रिक को कट कर देंगे और वापस से जो भी मार्जिन है यहाँ से कट कर लेंगे। अब हमें कॉलर को ऐसे पलट लेना है। देखो जैसे पलटेंगे ना कॉलर को, जो धागा हमने सेट किया था ना उस धागे को ऐसे खींचना है। जब इस धागे को पकड़ के आप ऐसे खींचेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली कॉलर का जो कॉर्नर है वो बाहर आ जाएगा, बाकी आप धागे को निकाल देंगे। वैसे ही आपको दूसरा पॉइंट भी बनाना है। इस तरह से आपका कॉलर बहुत अच्छे से सेट होगा और पॉइंट बनेगा आपके कॉलर में। देखो ऐसे धागे को पकड़ना है और ऐसे खींचना है और धागे को निकालें। अब आपको इस कॉलर को अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस से ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अभी देखो कॉलर को अच्छे से प्रेस कर लिया है। पहले मैं कॉलर को स्टिचिंग लगा देती हूँ। ऐसे स्टिचिंग लगाऊंगी तो कॉलर मेरा दोनों जो पार्ट हैं आगे और पीछे वाले वो सेट हो जाएंगे। तो ऐसे हम यहाँ पे पहले सिलाई लगा देंगे, इससे दोनों पार्ट एक जगह अच्छे से अटैच हो जाएंगे। देखिए इसके बाद आपको एक पैर का मार्जिन लेकर और थोड़ी सी बारीक सिलाई लगानी है। एक्चुअली ये वाला जो सिलाई हम लगाएंगे ये कॉलर में हाईलाइट होती है। कॉलर पे हमेशा आपको किनारे पर सिलाई नहीं लगानी होती, कॉलर पे हमेशा आपको एक पैर की सिलाई लगानी होती है। तो देखिए वही सिलाई मैं अब यहाँ पे लगाने जा रही हूँ। इससे कॉलर बहुत अच्छे से नज़र आता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे ही पॉइंट पर आ जाते हैं वैसे ही फिर से आपको ये सिलाई लगाना है। ऐसे इस तरह से आपको एक पैर की सिलाई लगानी है। इससे आपकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। अब देखिए हमें दूसरा जो कॉलर है वो कॉलर अपने इस कॉलर के साथ अटैच करना है। तो पहले मैं इस कॉलर को ऐसे फोल्ड करूंगी, उसके बाद कॉलर का सेंटर ले लूंगी। कॉलर के सेंटर पे आपको इस दूसरे कॉलर को अटैच करना है। बिल्कुल वैसे ही आप ये वाले कॉलर को भी ऐसे फोल्ड करेंगे। एक बार चेक कर लेंगे कहाँ से ये कॉलर स्टार्ट हो रहा है। देखिए दोनों कॉलर को ऐसे मिला लेंगे आमने सामने और कॉलर को ऐसे फोल्ड करेंगे। वापस से यहाँ पे आप कट लगाएंगे, यहाँ पे भी लगा लेंगे, साथ के साथ नीचे भी लगा देंगे। अब आपको सीधे वाला पार्ट देखना है जिसके ऊपर आपने पेस्टिंग को अटैच किया है। तो कहाँ पर है ये? ये वाला पार्ट आपका पेस्टिंग वाला है, तो इसी साइड आपको ये पेस्टिंग वाला पार्ट रखना है। देखिए ऐसे आपको दोनों पार्ट को मिलाना है। मिलाएंगे और इस तरह से स्टिचिंग लगा देंगे। पेस्टिंग के ऊपर आपको स्टिचिंग लगाना है। यहाँ पर आपको किनारे पर लगाना है लेकिन पेस्टिंग के बिल्कुल ऊपर नहीं लगाना, पेस्टिंग के एकदम किनारे पे लगाना है। जैसे अभी लगाया था हमने इस तरह से, ऐसे लगाते रहेंगे। सेंटर से मिला के लगाना है। थोड़ा सा हमारा यहाँ से लूज हो गया है, ये वाला पॉइंट देखो हल्का सा लूज हो गया है। सेंटर से मिला के लगाती बिल्कुल बराबर होना चाहिए।
ना एक भी पॉइंट उधर और ना एक भी पॉइंट इधर। यहाँ पर से ये थोड़ी सी सिलाई हम खोल देंगे। खोलने के बाद वापस से ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। अब देखिए पूरे कॉलर पे हमने इक्वल सिलाई लगा दी है। इसके बाद नीचे वाली साइड आपको इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। जैसे ये हमारे पास सिर्फ इतना ही फैब्रिक बचा है, तो इस फैब्रिक को हम इस तरह से रखेंगे ऊपर, यहाँ से कट कर देंगे। अब देखिए पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे पर आपको यहाँ पे इस तरह से स्टार्ट करना है लगा। इस बार हम यहां से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे कॉलर के बिल्कुल किनारे से। धीरे धीरे आपको राउंड शेप में घुमाना है। पेस्टिंग के ऊपर सिलाई नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा नीचे रह गया है, मार्जिन कम हो गया है। हमारे पास यही फैब्रिक बचा है, इसी से हमें काम करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर सिलाई बिल्कुल पास में आनी चाहिए। पॉइंट पर आकर आपको इस तरह से बैक कर देना है सिलाई को। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। देखो यहाँ से यहाँ पर आपको छोटे छोटे नोचेज लगा देने हैं, इससे कॉलर को पलटने में आसानी होगी और यहाँ पे आपके बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा भी नहीं होगा। अब हमें कॉलर को अच्छे से प्रेस कर देना है। देखिए इसको ऐसे पलट देना है। पलटने के बाद इसको प्रेस कर देंगे। ये पॉइंट अच्छे से बनाना है आपको।
और आप चाहें तो जो आपका पेस्टिंग वाला पार्ट है ना, इसको अभी फोल्ड करते हुए ही प्रेस कर लेंगे, क्योंकि ये फिर आपका बाद में परेशान करेगा। इससे अच्छा है आप एक्स्ट्रा फैब्रिक अभी कटिंग कर दें। कटिंग करने के बाद आप इस पार्ट को फोल्ड कर देंगे। जब अभी मैं प्रेस करूंगी ना, तो मैं इस पार्ट को भी फोल्ड कर दूंगी प्रेस। तो अब हमें इसको ऐसे देखो पलटना है और इसको प्रेस करके ले लाना है। ऐसे पॉइंट अच्छे से बनाएंगे कॉलर का और इसको ऐसे प्रेस कर देंगे। प्रेस करूंगी तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे मैंने ये क्यों किया था। ठीक है, तो ऐसे हमारा कॉलर अच्छे से रेडी हो गया है। प्रेस करने के बाद अब डायरेक्ट हमें कॉलर शर्ट में लगाना है। इस तरह से हमने अपने कॉलर को प्रेस कर लिया है। अब आपको जितना भी मार्जिन लेना है कॉलर अटैच करने के लिए, सिर्फ उतना ही मार्जिन छोड़ेंगे, बाकी एक्स्ट्रा कट कर देंगे। देखो जहां पे हमारा पेस्टिंग वाला पार्ट आ रहा है, उससे एक्स्ट्रा आपका जितना भी नीचे वाले पार्ट में फैब्रिक है, वो सब आपको सिलाई में लेना है। चाहे तो आप निशान लगा लें, गाइडलाइन ले लें, इसी गाइडलाइन को लेते हुए आपको यहाँ पे सिलाई लगाना है। अब देखो इस पॉइंट से आपको शर्ट में कॉलर लगाना स्टार्ट करना है। अब एक चीज का ध्यान रखना है, कॉलर का सेंटर लेना है पहले। इससे कभी भी कॉलर छोटा बड़ा नहीं लगेगा। कॉलर के सेंटर पे आपको कट लगाना है। अब वैसे ही कट आपको अपने शर्ट में भी लगाना है। शर्ट में भी आपको इस तरह से सेंटर पे कट लगा देना। हमेशा जब भी आप शर्ट लगाएंगे तो सीधे वाली साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। शर्ट में कॉलर आपको सीधे वाली साइड से लगाना है। और अब यहां से कॉलर को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। एक्स्ट्रा जो हमारा यहाँ पर कॉलर का मार्जिन है, इसको अंदर वाली साइड ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा पार्ट आगे पीछे करना है ताकि कॉलर अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद कॉलर लगाते रहेंगे। चाहे तो आप कॉलर के इस पार्ट को ऊपर भी रखते हैं, ऐसे ऊपर निकाल देंगे और नीचे वाले पार्ट से कॉलर लगाना स्टार्ट रखें। कोई भी पार्ट आपको खींचना नहीं है, कोई भी पार्ट आपको लूज नहीं रखना। गाइडलाइन लिया हुआ है, इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कॉलर अटैच करते जाएंगे। सेंटर पर देख लेंगे, सेंटर पे जो कट लगा है उस कट के अकॉर्डिंग आपको कॉलर को अटैच करना है। देखो अगर आपको एंड पॉइंट पर आकर कुछ प्रॉब्लम होती है कॉलर लगाने में, तो आप पहले थोड़ा सा कॉलर एंड वाले पॉइंट पे लगा दें। यहाँ पे देखो एंड पॉइंट पे आके आपको यहाँ पे पिन लगा देंगे। यहाँ पे हम बॉल पिन लगा देंगे या फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे कॉलर को सेट करना। इससे आपको लगेगा नहीं कॉलर छोटा और बड़ा हो रहा है। और यहाँ पर सिलाई लगाते रहेंगे। अब लास्ट पॉइंट पर आकर सिलाई को एंड कर देंगे। देखो एंड पॉइंट पर आपको
ये वाला ध्यान रखना है कि कॉलर आपका बिल्कुल एंड पॉइंट पर ही आना चाहिए ऐसे। कॉलर अटैच करने के बाद अब हम कॉलर का मार्जिन अंदर वाली साइड टर्न करेंगे और ऊपर से स्टिचिंग लगा देंगे। देखो यहाँ पर आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ काम करना है क्योंकि ये वाला पॉइंट हमारा हाईलाइट होने वाला है शर्ट में। यहाँ पे आगे पीछे सिलाई नहीं करेंगे, आगे पीछे करते हैं तो थोड़ा सिलाई में जो धागा होता है ना वो इकट्ठा हो जाता है एक जगह, तो इसलिए मैं यहाँ पे आगे पीछे सिलाई नहीं करूँगी, इसको पूरे को कवर करूँगी। यहाँ से स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करेंगे और पूरा कॉलर हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ से आपको सिलाई को ऐसे रोकना है और इस तरह से छोटे वाला कॉलर जो कटिंग किया है यानी कि 1 इंच का जो हमने कॉलर कटिंग किया है इसके चारों तरफ आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ से देखिए बिल्कुल सिलाई एकदम परफेक्टली लगाना है, इससे कॉलर बहुत फिनिशिंग से दिखेगा। तो अब हमें अपनी शर्ट बिल्कुल कंप्लीट कर लेनी है और हमारी शर्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी शर्ट में काज और बटन करवाने के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में इस शर्ट को पहन के भी दिखाएंगे ताकि आपको इस शर्ट का फाइनल लुक भी दिख जाए। देखिए शर्ट में कॉलर भी अटैच हो गया है, तो इस तरह से हमें अभी अपने शर्ट में काज और बटन करवाने हैं, बाकी हमारा शर्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। स्टेप बाय स्टेप करके हमने पूरा शर्ट बनाना सीखा है, सिर्फ हमने स्लीव्स अटैच नहीं किया था क्योंकि हमारे पास उतना फैब्रिक नहीं था। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या टॉपिक लेके आने वाले हैं वो मुझे कमेंट करके आप बताते रहना, जो भी सबसे ज्यादा कमेंट करेगा उसी टॉपिक पर मैं वीडियोज लेकर आऊंगी नेक्स्ट डे। और हाँ, अगर आप हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास बहुत अच्छा टॉपिक है लहंगा बनाना। देखिए हम आपको एकदम प्रोफेशनल तरीके से लहंगा बनाना सिखा रहे हैं और जो हमारा ये लहंगे का वर्कशॉप है ये 2 दिन तक चलने वाला है और इसका फीस सिर्फ 399 रुपीज़ है। देखिए इसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, लहंगे को विदाउट केन केन कैसे बनाते हैं क्योंकि लहंगे में केन केन अटैच करते हैं तो आपने जनरली देखा होगा केन केन बहुत जल्दी खराब हो जाता है तो वो मैं यूज़ नहीं करती, अवॉइड करती हूँ। तो बिना लहंग केन केन के कैसे लहंगा बनाना है, कैसे उसको फुलाना है, कैसे फ्लफी बनाना है, तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। उसके साथ साथ लहंगे में पॉकेट कैसे अटैच करना है, और जो मैं लहंगा आपको बता रही हूँ इसका खास बात ये है कि ये बहुत बड़े ब्रांड का लहंगा है जिसको मैं रिक्रिएट कर रही हूँ। रिक्रिएट तो नहीं कहेंगे, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल पीस बना रही हूँ क्योंकि उसको लास्ट 1 मंथ मुझे हो गया है एम्ब्रॉयडरी करते हुए। आप देख रहे हैं कि एम्ब्रॉयडरी हम
इस पर बिल्कुल फर्स्ट कॉपी के अकॉर्डिंग किया है मैंने, बिल्कुल परफेक्ट मटेरियल से एम्ब्रॉयडरी कराया है, सीक्वेंस का वर्क कराया है, और उसके साथ साथ हम यहाँ पर इसमें फर का भी काम करने वाले हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे इसको हमने किस तरह से डिज़ाइन किया है। छोटे छोटे पैचेस बनाए हैं, जैसे लहंगे में पैचेस ब्लाउज में कैसे लगाएंगे, तो वो आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए पैचेस बनाए हैं कि इस पैचेस को कैसे बनाते हैं, वैसे आप इसको रेडीमेड भी ले सकते हैं पैचेस को, और किस तरह से ये सेम लहंगा आप बनाना सीखेंगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज़ में। देखिए आप इस वर्कशॉप को लेना बिल्कुल मत भूलना, और ये वर्कशॉप आप स्किप मत कर देना, क्योंकि इस वर्कशॉप में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लहंगा बनाना पाएंगे इस वर्कशॉप लेने के बाद, और एकदम स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाने वाले हैं कैसे आपको प्रॉपर तरीके से लहंगा बनाना है, और वो भी डिजाइनर तरीके से। तो चलिए मिलती हूँ आपसे ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।